उपनिषद की एक बड़ी प्रसिद्ध आख्यायिका है,
वेदांत के प्रायः हर विद्यार्थी को इस आख्यायिका का स्मरण है। एक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, वत्स, हमारे वंश में अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो श्रोत्रिय न हो, जिसने गुरु परंपरा से शास्त्र का अध्ययन किया। अरे उपनिषद की अन्यत्र घटना है, जब राजा बड़े दावे से कहता है, ऋषि को बताता है, विशेष प्रसंग पे उसका कथन है, ये उसका अभिमान नहीं है, वो यथार्थ कथन है। नवेश नो जनपदे न कदलियो न मध्यप नानाध्यायी न विद्वान न स्वैरा स्वैरणी होता। राजा प्रतिज्ञा करता है, क्या निश्चिंत रहे हमारे राज्य में कोई प्रमादी नहीं, नवेश तेरह जल पड़े। और इसकी व्याख्या अभी याद नहीं करना चाहते, नानाध्यायी ना विद्वान, ये विशेष बात कही है कि जिन को शास्त्र अध्ययन और अध्यापन की आज्ञा है वेद ही, वो सब के सब हमारे राज्य में नित्य वेदाध्ययन करते हैं, नानाध्यायी। हमारे राज्य में कोई ऐसा नहीं है जो हो वेद का अध्ययन न करता हो, अध्ययन भी और अध्यापन भी। तो अतएव ना विद्वान, हमारे राज्य में कोई अविद्वान माने मूर्ख नहीं है, सब श्रोत्रिय। ये समग्र राज्य के लिए राजा कहता है। तो ये ऋषि अपने पुत्र को इसी तरह कहते हैं कि हमारे वंश में अभी तक कोई अश्रोत्रिय नहीं हुआ है, वत्स तुम जाओ समित पाणी होके गुर्जरों की सेवा करके सम्यक शास्त्र का अध्ययन। ऋषि ने स्वयं नहीं अध्यापन किया, यदि उनके आश्रम में अन्य विद्यार्थी रहते थे, उन्हें उचित लगा कि कोई अपने आप के समर्पित भाव से विद्याध्ययन करें, समित पाणी जाए। तो वो विद्यार्थी, उसका नाम बहुत प्रसिद्ध सब जानते हैं, वो कुछ वर्षों तक विद्या अध्ययन करके लौट करके घर आया तो उसके पिता ने देख लिया कि इसने लगता है शास्त्र का बोझा तो लाद लिया है लेकिन इसे शास्त्र का बोध नहीं हुआ। गधे के ऊपर चंदन ला दो तो चंदन की खुशबू या उसकी महिमा को नहीं जानता है, तो हमारे पर इतने मन का बोझा लदा हुआ है। यथा खरा चंदन भार वाही भारत से वेदता न, तो चंदन भार को तो जानता है चंदन की महिमा, उसी तरह ये आ तो गया है, बोझा ढो के आ गया है, लेकिन इसको शास्त्र का तात्पर्य बोध नहीं हुआ है। गुरु मतलब पिता का स्नेह है लेकिन
पुत्र की अभिनय को देख करके पिता समझ गया है शास्त्र का बोझ तो लाद लाया है, शास्त्र का बोध नहीं लाया है, क्योंकि इसमें विनय का अभाव है। हमारे यहां विनय एक बहुत व्यापक शब्द है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, गुरुजनों के सन्मुख कैसे बैठना, गुरुजनों के सन आने पर कैसे खड़ा हो जाना, भोजन दाहिने हाथ से करना बाएं हाथ से नहीं करना, उच्चिष्ट जल का पानी, इस बहुत व्यापक है। और ये विद्या गुरु कृपा से विद्वानों की या संतों की संधि से, हमारे संतों को देखते ही समझ लेंगे टकसाली है कि बढ़िया वाला साधु है। टकसाली साधु की क्रिया पर इसमें विनय का अभाव है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, और जो होता है विद्या का मुख्य प्रयोजन है विनय। विनय माने नम्रता ही नहीं है, झुकने को तो सांप भी बड़ा बढ़िया झुकता है माय डियर, सिंह भी बड़ा बढ़िया झुकता है जब शिकार करना, धनुष भी बहुत जोर से झुकता है, नमन नमन बहुभाव, ये झुकना भी विनैया दंडवत अलग, हार्दिक विनय दंडवत अलग, चाल ढाल से पता चल गया इसमें विनय नहीं है। जैसे भक्ति की पहचान और नम्र होगा, हमारे भक्त संत कहते हैं कि जैसे चावल सिद्ध हो जाता है तो उसको भक्त कहते हैं, तब मुलायम हो जाता है, और नहीं तो अकड़ रहती है। तो भक्त वही है जो नम्र है, विद्वान वही है जो नम्र है। विद्या ददाति विनय, विनय का अभाव है इसलिए ये विद्वान तो नहीं है। लेकिन अब इसको कैसे कहा जाए कि तू बोझा तो लाद लाया, तू मूर्ख है, क्योंकि बोलने वाले की भी बड़ों की भी एक विनय की परिभाषा है, पद्धति है। छोटे को कहना है तो किस तरह से कहना, छोटे कई तरह के होते, ये सीखना पड़ता है कि कैसे कहा जाए। कालिदास के लिए आता है, उसकी भोज के लिए आता है, भोज के लिए आता है, हाँ भोज के लिए आता है कालिदास ने, क्योंकि रानी एकांत में अपनी सखियों से बात कर रही थी, दो सखियाँ आपस में, तो राजा साहब मिला हमारी पत्नी तो वही घुस गए वहाँ। अब रानी क्या करी, आओ मूर्ख। अब राजा को मूर्ख कहा और रानी विदुषी है, क्या मैंने ऐसा किया है जो हमको मूर्ख कह रही है। राजा वहां से चला आया, व्यवहार बिगड़ा नहीं और लौटा। अब कैसे पता चले कि मुझे रानी ने मूर्ख क्यों कहा, क्योंकि समझदार आदमी के लिए बताया जाता है कि कहीं अपना मान हुआ हो तो उसका प्रकाशन न करे, और कहीं अपना अपमान हुआ हो तो वो भी न प्रकाश करे, अपने ग्रह क्षेत्र भी प्रकाशित न करे। बहुत सी चीजें हैं जिनको समझदार आदमी बुद्धिमान न प्रकाशित नहीं,
तो प्रकाशित नहीं कर सकता है कि मेरी रानी ने मुझे मूर्ख कहा है, तो उसकी इज्जत तो चली जाएगी। अरे तेरी रानी ही तेरे को मूर्ख कह दी तब तो क्या है, भले कहने की नहीं जाए अंदर समझ। तो राजा ने सोचा उत्तर कैसे प्राप्त किया जाए, तो दरबार में पहले पहुंच गया। पता राजा सबसे अंत में दरबार में जाते हैं, और जो आगे उसके आओ मूर्ख, सब राजा के मुंह की तरफ देखे, और राजा सीधे से भागवान नहीं खाए, मूर्ख क्यों का, तो चुपचाप अपने अपने जगह बैठ गए। अब रानी से कौन कहे तू कैसे बैठी, तो सब इसी तरह आए आओ मूर्ख। तो राजा जब कालिदास आए तो आओ मूर्ख, तो कालिदास तो फिर विद्वान तो किसी को बुला होता है। तो उसने कहा राजन मैं खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। राजा साहब आपने मुझे मूर्ख कहा, ये कुछ आचरण बताए, इस तरह के आचरण करने वाले कुछ चिन्ह बता दिए, मैं खाते खाते चलता नहीं हूँ, हंसते हंसते कुछ कहता नहीं हूं, हमने कुछ कर दिया उसको मैं करता हूं नहीं मानता हूं, भगवान करता है, और जो बीत गई अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने कुछ कह दिया गतम न सोचा, बीत गई बीती था इंसान दे आगे की सुधरे, गतम न सोचा कृतम न माने, मैंने किसी से कुछ उपकार किया तो उसको कुछ याद नहीं रखता। और राजा सही तो मेरे दोष नहीं, फिर कहा द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जब दो जने आपस में बात कर रहे हैं तो मैं दाल भात में दूसरा जन के बीच में घुसता नहीं हूँ। राजा को लगया मेरी पत्नी अपनी सहेली के साथ बात कर रही थी और मैं बिना ही अनुमति लिए प्रवेश कर गया, इसलिए रानी ने हमको मूर्ख कहा। राजा ने वाह 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 और पुरस्कार दिया कालिदास को, उत्तर मिल गया हमको मूर्ख। तो बड़ी युक्ति से काम लिया जाता है। तो पिता ने उससे पूछा बेटा तुम तो गुरुओं के यहाँ अध्ययन करके आए हो, तो जैसे नारद जी ने ब्रह्मा जी को हाँ भगवान मैंने वेद पढ़ा है, मैंने छंद पढ़ा है, मैंने व्याकरण पढ़ा है, मैं दुनिया भर के सरणी बनी हुई है, तो उसी तरह ने बताया हम ये पढ़ के आए हैं। सोचा कि पिताजी कहें बाप भैया तो मेरे से पढ़ के निकल आया। तो पिताजी पूछते हैं क्यों रे क्यों रे ठीक क्यों बस कम ब्रजवासी अगर निकल जाता है बोलो कभी क्यों रे ठीक बोले। तो बस तुम ये बताओ तुमने वो विद्या पढ़ी है कि नहीं पढ़ी जिसके पढ़ लेने से बिना पढ़ा पढ़ा हो जाता है, बिना जाना हुआ जाना हो जाता है, जो सुना हुआ नहीं वो सुना हुआ हो जाता है। अब सन्नाटा खा गया ये विद्या का को पढ़ाया और तब उसने अपने पिता से की उपशक्ति की, अभिमान चला गया, ज्वर ईव में बदो में व्यपकता जैसे बुखार उतर गया वैसे अहंकार उतर गया, और पिता से कहा आप कृपा करके मुझे वो विद्या सिखाइए। जब वो नम्र हुआ विनयी हुआ तब पिताजी ने फिर उसको उसके स्वरूप का वर्णन किया। तात्पर्य क्या है कहने का, शिष्यत्व का मतलब है अपने में विनयत्व का आधान होना चाहिए, विनयी होना चाहिए, अगर विनयी नहीं है तो और चाहे कुछ हो शिष्य तो नहीं है। विनय का माने केवल नम्र ही नहीं, कैसे बोलना कैसे जानना किसी से कुछ कहना तो किस तरह से कहना, किसी को मना करना तो कैसे मना करना, किसी को कोई कटु वचन कहना उसकी भी युक्ति होती है। हमारे यहाँ किसी को मूर्ख नहीं कहते, कहते अरे ये तो बड़े देवानाम प्रिय हैं, अब देखने में तो बड़ा मधुर शब्द है लेकिन हमारे व्याकरण वाले मुस्कुराते रहते हैं जानते बदनाम प्रिय। तो हमारा उठना बैठना बोलना जानना ये सब का सब विनयमान का आचरण होना चाहिए, ये गुरु शक्ति का परम फल है।
जिसमें ये विनय आ जाता है उसमें विद्या अपने आप आ जाती है। जैसे नीची जगह पे अभी वर्षा का सारा पानी इकट्ठा हो गया, तो जहाँ ऊंची जगह थी अभिमानी थी वहां से बह गया। तो हमको गुरु की शरणागति प्राप्त हुई है तो हमने विनय अवश्य आनी चाहिए, तभी हमको गुरु सेवा का परम फल मिलेगा। कुछ संतों के चरणों में प्रणाम, आचार्य जी सही समस्त ऋषि भगवानों का अपने विज्ञान के माध्यम से सामने बैठे हुए और यहाँ ब्रह्मांड घाट में सभी सुजनों के मंगल कामना करते हैं। जय श्री।